रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को पुणे में उद्धव ठाकरे पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मैं बाला साहेब ठाकरे का भी बहुत सम्मान करता हूं, मगर उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए सिद्धांतों को ताक पर रख दिया है, इसका मुझे दुख है। उन्होंने कहा है कि सरकार बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आदमी वही होता है जो अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस को गले लगा लिया है, लेकिन कांग्रेस की हालत इतनी बुरी हो गई है, जो भी कांग्रेस से जुड़ा है वह डूब जाएगा। महाराष्ट्र में यही हाल होने वाला है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि हरियाणा की तरह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी भाजपा और महायुति गठबंधन की जीत पक्की है। कांग्रेस ने लंबे समय तक देश पर राज किया, लेकिन अब इसकी हालत इतनी खराब हो गई है कि इससे जुड़ा कोई भी व्यक्ति डूब जाएगा। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने शिवसेना उद्धव और एनसीपी शरद का सहारा लिया है और उनका डूबना तय है। इसके आगे उन्होंने क्या कुछ बोला है, चलिए सुनवाते हैं। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, मैं बेहद सम्मान करता था, करता हूं। लेकिन सत्ता के लिए उद्धव जी ने जिस तरीके से सिद्धांतों को ताक पर रख दिया है, उससे मुझे बेहद पीड़ा हुई है। मैं यही कहना चाहता हूं, उद्धव जी, सरकार बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, इंसान वह होता है जो अपने सिद्धांत और रसूलों से, चाहे कितनी बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए, वह डिगे ना। और आपने यह क्या कर दिया? बहनों भाइयों, मानकर चलो आप, कांग्रेस जिसके गले लगी है उसका डूबना तय है। इन लोगों को पकड़ लिया है कांग्रेस ने, अब इनका जाना तय है, क्या मानकर चलो। हर चीज में, संविधान के मामले में भी इन लोगों ने मनमानी की है, जैसा मैंने आपको बताया, और जैसा मैंने बताया कि कई बार संविधान के साथ इन लोगों ने छेड़खानी भी की है। जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, देश को बांटने की बात कर रहे हैं। इसलिए एक चीज याद रखिएगा मेरे बहनों भाइयों, कि आपको न बंटना है और न आपको बांटना है, पूरे देश को एक साथ रहना है, एकजुट रहना है। हम विभाजन से बचेंगे तो विकास की ओर बढ़ेंगे और एक विकसित राष्ट्र और एक विकसित महाराष्ट्र गढ़ेंगे, इस संकल्प के साथ हम लोगों को कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। आपको यह भी बता दें कि उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अब अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही है। महाराष्ट्र, हरियाणा और कुछ 3 से 5 राज्यों में लोकसभा चुनाव परिणाम हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहे हैं, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव में लोगों ने भाजपा पर भरोसा जताया और हमने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। अब महाराष्ट्र में भी यही स्थिति दोहराई जाएगी। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक मंच पर देश का मान बढ़ा है। 25 करोड़ से अधिक भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। अगले 8-9 साल में भारत में एक भी व्यक्ति गरीब न रहे। 2027 तक भारत दुनिया की शीर्ष 3 सबसे अच्छी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। राजनाथ सिंह ने कहा है कि महाराष्ट्र में भाजपा, शिवसेना, एनसीपी सरकार ने उल्लेखनीय काम किया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होने वाले हैं। सभी 288 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एससीपी से मिलकर बना विपक्षी एमवीए गठबंधन राज्य में सत्ता हासिल करना चाहता है, जो महायुति गठबंधन को चुनौती देता है, जिसमें एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शामिल है। वीडियो डेक्स, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।